नमस्कार, आज हम बनाएंगे आलू के मसाले वाली बाटी। वैसे तो बाटी आप तेल में तलकर या फिर कुकर में सेक कर बनाते होंगे, लेकिन आज हम एक नए तरीके से बिना तेल में तले और बिना कुकर में सेके मसाला बाटी बनाएंगे। आलू की यह मसाले वाली बाटी बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी बनती है। तो चलिए बाटी बनाना हम शुरू करते हैं। बाटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप गेहूँ का आटा लिया है। तो सबसे पहले हम आटे को गूंथेंगे। तो आटे में हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच सूजी, थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इसके बाद आधी छोटी चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, यह खाने वाला मीठा सोडा है, और इसमें मोयम के लिए हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। इससे जो बाटी हैं वो बहुत खस्ते बनेंगे। मोयम तो तेल से भी लगाया जाता है, तो आप अपने पसंद के अनुसार तेल या घी ले सकते हैं। अब सारे चीज़ों को हम आटे में अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। सारे चीज़ों को हमने आटे में मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं, उसी तरह से हम बाटी के लिए आटा गूंथेंगे। यानी कि हम इसको बहुत टाइट नहीं करेंगे, थोड़ा मुलायम गूंथेंगे। तो इसमें हम थोड़े थोड़े पानी डालकर आटे को लपेटते जाएंगे। बाटी के लिए हमने इस तरह से मुलायम आटा गूंथ लिया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए एक साइड में रखेंगे, जिससे जो आटे में सूजी हैं वो फूल जाएं। तब तक हम बाटी के लिए आलू तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 3 मैश किया हुआ उबला आलू लिया है। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, इसके बाद नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और थोड़ा से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब सारे चीज़ों को हम आलू में अच्छे से मिलाएंगे, जिससे नमक मसाले आलू में पूरी तरह से मिल जाएं। इसमें आलू के जो बड़े बड़े ढोके हैं उसे हम हाथ से फोड़ते जाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा से कलर के लिए काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये मिर्च तीखे नहीं होते हैं, केवल इससे कलर अच्छा बनता है। सारे मसाले को मिलाकर आलू हमने तैयार कर लिया है। अब इसका हम छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। पहले इसमें से हम थोड़ा सा लोई निकालेंगे और फिर इसका नींबू जैसा गोली बना लेते हैं। पूरे आलू का गोली हमने बना लिया है। बाटी हम इसी कढ़ाही में सेकेंगे। तो पहले हम इसको गैस पर रखेंगे गर्म होने के लिए। कढ़ाही में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक का इस्तेमाल हमने कई बार किया है, इसलिए लाल हो गया है। नमक को हम कढ़ाही में फैला देते हैं। अब कढ़ाही के अंदर हम एक स्टैंड को रखेंगे। इसके बाद हम स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखेंगे। प्लेट में हमने पहले से घी लगा दिया है, जिससे बाटी इसमें चिपके ना। अब कढ़ाही के ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और गैस को धीमा करके इसे छोड़ देते हैं गर्म होने के लिए। लगभग 10 मिनट के बाद अब हम आटे को देख लेते हैं। यहाँ पर आटा अच्छे से फूलकर सेट हो गया है। तो बाटी के लिए हम इसमें से लोई निकालेंगे। इसके बाद लोई को दोनों हाथ से फैलाते हुए बीच में जगह बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम आलू की फिलिंग करेंगे। अब इसमें हम 1 आलू गोली डालकर पैक करेंगे। आलू की गोली हमने लोई के हिसाब से बनाया है। अगर आप छोटी छोटी बाटी बनाना चाहते हैं तो आलू की गोली आप और छोटे छोटे साइज की बनाएं। इसके ऊपर का एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देते हैं।
अब इसका हम बॉल जैसा बाटी बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे आटे का बाटी बनाएंगे। बाटी आप अपने हिसाब से चपटे या फिर गोले आकार में बना सकते हैं। पूरे आटे का बाटी हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसको हम बेक करेंगे। यहाँ पर कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब प्लेट के ऊपर हम एक एक करके पूरे बाटी को रखेंगे। आप चाहें तो बाटी को कुकर में भी बेक कर सकते हैं, उसमें भी बाटी आसानी से बेक हो जाएंगे। अब कढ़ाई के ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे और इसे 12 से 15 मिनट तक बेक करेंगे। गैस को हमने मीडियम में किया है। लगभग 8 मिनट के बाद बाटी को हम दूसरी तरफ पलटेंगे। बाटी एक तरफ से हल्के सुनहरे रंग में हो गए हैं, तो पूरे बाटी को हम दूसरी तरफ पलट देते हैं जिससे ऊपर से भी टाइट हो जाए। अब कढ़ाई के ऊपर हम फिर से ढक्कन लगाकर इसे 7 से 8 मिनट तक और बेक करेंगे। पूरे 15 मिनट के बाद बाटी को हम देख लेते हैं। अब बाटी पूरी तरह से बेक हो चुका है। ये ऊपर से काफ़ी टाइट हो गए हैं। अब पूरे बाटी को हम प्लेट में निकालेंगे। बाटी को बेक करने के बाद अब इसे हम हल्का से सेकेंगे। तो हम गैस से कढ़ाई को हटाएंगे और इसके ऊपर एक जाली वाला स्टैंड रखेंगे। वैसे तो बाटी बेक करने के बाद पक चुका है, लेकिन इसे हम हल्का से सेकेंगे जिससे ऊपर से और टाइट हो जाए। तो जाली के ऊपर हम 4 से 5 बाटी रख देते हैं और इसे हम बराबर पलटते हुए सेकेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, केवल इसे हम 2 से 3 मिनट तक सेकेंगे जिससे बाटी के ऊपर सुनहरे रंग में चीती पड़ जाए। अब ये बाटी सुनहरे रंग में सिक चुके हैं, तो इसे हम प्लेट में निकालेंगे। और इसी तरह जो बचे हुए बाटी हैं उसे भी हम सेकेंगे। पूरे बाटी को हमने सेक लिया है। अब ये बाटी खाने के लिए तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे आलू के मसालेदार बाटी बने हैं। तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि बाटी कितने खस्ते बने हैं और इसके अंदर आलू पूरी तरह से भरे हैं। अगर आप घर में सब्जी नहीं बनाए हैं तो आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, इससे बाटी खाने में और भी स्वादिष्ट लगेंगे। बाटी तो आप घर पर बहुत बनाते होंगे, लेकिन अगर आप यह बाटी नहीं बनाए होंगे तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। यह बाटी आपको बहुत पसंद आएगा।